दोस्तों, ये 2 साल पहले की बात है। एक रात मैं काम से लौट रहा था। स्टेशन में जब उतरा तब रात के 11 बज गए थे। मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए मैंने ट्रेन लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। यहाँ से घर जाना शॉर्टकट होता है। बहुत अंधेरा है, लेकिन मेरे पास एक टॉर्च था। कुछ देर चलने के बाद मैंने सुना मेरे पीछे किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने पीछे मुड़ा तो देखा एक लड़की, उसकी उम्र शायद 20 होगी। मैंने कहा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा, मैं कॉलेज से घर वापस जा रही हूँ, आज लेट हो गया। क्या आप मेरे साथ थोड़ा आगे तक चलोगे? मुझे अकेले जाने में डर लग रही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है चलो। हम दोनों चलने लगे। मैंने कहा, तुम यहाँ नहीं हो क्या? मैंने तो तुमको यहाँ कभी नहीं देखा, मैं तो रोज़ यहाँ से जाता हूँ। उस लड़की ने कहा, मैं जाती हूँ लेकिन आपने मुझे नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों चलते रहे। मैंने उस लड़की की तरफ देखा। अंधेरे में ठीक से वो कैसा दिखता है मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। चलो जो भी है, मैं उसको उसके घर छोड़ के घर चला जाऊंगा। लेकिन तभी मैंने देखा एक ट्रेन आ रहा है बहुत जोर से, उसी पटरी पे जिस पटरी से हम दोनों चल रहे थे। मैंने उस लड़की को कहा, देखो ट्रेन आ रही है, नीचे उतर जाओ। लेकिन मैंने देखा वो लड़की ट्रेन की तरफ दौड़ने लगी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, ट्रेन आ रहा है। लेकिन वो लड़की और जोर से दौड़ने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन मैं ट्रेन की पटरियों में नहीं उसके साइड से दौड़ रहा था। मैंने उस लड़की को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितनी तेजी से दौड़ रहा हूँ वो लड़की दुगनी तेजी से भाग रही थी। और तभी वो ट्रेन बहुत जोर से आके उसको टक्कर मार दी। मैं जोर से चिल्लाने लगा। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन चला गया। मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन उस लड़की को नहीं देख पाया। मैंने अभी देखा था ट्रेन उस लड़की को टक्कर मारा, लेकिन वो लड़की अचानक कहाँ चली गई? मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया और दौड़ते दौड़ते किसी तरह अपने घर लौट आया। बाद में मुझे पता चला कि एक बार उस जगह एक लड़की ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती रहती।